मामी गोर बकला पाए रही खुंटी भैंस मुर्री भैंस भी पाल रखी है देखो। पहले भी मेरे मुकुटिया पर भैंस रहने हैं दूधी जोड़े है ना, ये पाखड़ रहने हैं, एक लैंड रहने हैं फैसला नंचना में उन्हें हैं तो यार दूधा का खाने हमें। नमस्कार दगड़ो, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ो, मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया देवभूमि उत्तराखंड के हसीन वादियों से, और आज मैं अपने नैनिहाल आया हूँ। काफ़ी खुश हो रहा हूँ, यहाँ पर भी धूप काफ़ी तकड़ी है, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे भी, लेकिन इन लोगों के पास थोड़ा बहुत पानी है तो इनके खेत हरे भरे नज़र आ रहे हैं इस समय। कैसा है मेरा नैनिहाल, कैसा लगा तुझे? फूल तो तोड़ा है तो मेरे नैनिहाल से। तो यहाँ पर सभी फैमिली लोग आए हुए हैं आज हमारे, ये देखे डॉगी भी हैं। हाँ ये नहीं काटता है, ये मुकुट का कुत्ता भी है हमारे पास है। ओ चिंटू 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 चिंटू, ये इसमें भी गर्मी है। गाय पाल रखी है मामा जी ने, मामी जी ने। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। तुम तो अभी आए थे है ना, कहाँ? हाँ तो इस प्रकार का लोकेशन है मेरे नैनिहाल का। ये देखिए फूल वूल इसमें फैसला बना रखे हैं। तो कतु साल बाद उड़ो हैं यार आज मुकुट में। देखो ये मेरे दीदी का मकान है मेरे नैनिहाल में ही, और इनका ससुराल भी यहाँ ही है मेरे नैनिहाल में, और ये मेरे मामा लोगों का है, और ऊपर से मेरे छोटे मामा लोगों का है, यानी मतलब मेरे मम्मी के जो चाचा हैं उनका मकान है। तो काफ़ी अच्छा सीनरी यहाँ पर है देखिए। तो आज सौभाग्य है कि यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला, शुभ अवसर मिला। दिन नमस्ते। हाँ और कौसम लंगर ठीक ठाक है हुनर पर? ये सब पुराने नैनिहाल हैं। तो दगड़ो ये मेरा पुराना नैनिहाल है, पुरानी बाखली जो है आज के दिन प्राण पड़ गए सभी जगह। कुछ लोगों का पलायन हो गया, तो कुछ लोग अपने फैमिली के साथ दूसरी जगह अटैचमेंट हो गए, दूसरी जगह कमरे वमरे बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं। तो कभी जब मैं बच्चों में आया करते थे यहाँ पर सब जगह भैंस बदी रहती थी, फैसला दूध दही घी मक्खन के यहाँ पर काफ़ी कारोबार हुआ करता था उस समय। चलो बच्चों हिटन पा। हाँ कत कतम पड़ता? अरे यार तुम्हें चश्मा लग गया, आई साइट वीक हो गई आपकी। दूर दूर से नहीं दिखा देता, नज़दीक से नहीं दिखा देता, दूर से ठीक देखते हो? मेरी वीडियो देखते हो? पप्पू ब्लॉग से बग्वाली पोखर यूट्यूब में डालना। अरे गजब यार, बाल किसने काटे? कौन है ना? नहीं कौन है बता? कौन सुना है? एक रुपये मत देना नाई को, ठीक है? पप्पू ब्लॉग्स बग्वाली पोखर। तो दगड़े में मगोटिया ये तू लंबी चौड़ी बाफे भैया दिखाई नंसना उसी में, और दीदी तीन तीन भैंस बाधी रहे नहीं जाकर कत एक बात से देखूँ कत एक बकरो पाट देखू। हाँ माँ पर एक एक नतर एक लैंड भैंस रहनी है, एक बाखड़ भैंस रहनी है पर बहुत गर्म पर पेट हेट कम होना से नहीं होना जरा घट गो। अच्छा नहीं पेड़ घट चलाओ इसका नाम क्या रखा है? बताता सी लाली ये श्री राम धर रहा है। हाँ ऐसे मत कर ऐसे मत कर। क्या लग रही हूँ? अरे गजब यार,
कोल मर्चे सगी मर्चे ठूंग खड़ीवेल ठूंग खड़ीवेल ने हाँ हाँ पांट आउट आओ ये सही है सही है। इसमें विद्यालय सियालवाड़ी भी आप साफ साफ देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये अल्मोड़ा रोड है फर्स्ट क्लास तरीके से। तो यहाँ पर अभी सब सूखा ही सूखा चला है, ये काफ़ी अच्छी खेती भी होती है इधर, ये देखिए। तो ये है, हम तो बहुत पहले यहाँ पैदल आया करते थे काकड़ी घाट से। है खाले जला पानी गिरे नो? अच्छा घर तक पानी समस्या है रेफा आजकल? तो दगड़े पानी वानी की समस्या भी हो रही है पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा। तो आज नैनीहाल आया था कुछ कार्य विशेष से, और नैनीहाल वालों का आशीर्वाद लेके अब वापसी हो गई है। ओ मल्ली टॉम में मेरी बुआ ले रही आई है, ये है मेरे बुआ का मकान। में थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ हमारी बुआ रहती है बदरपुर वाली। और तो ये पूरा ये रोड आ गई है अब यहाँ देखो फैसला तरी से। तो दगड़ियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।